हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है फ्रेंड्स। हम लोगों ने बिहार बोर्ड का जो हिस्ट्री का था फर्स्ट चैप्टर का 25 क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे, तो चलिए आज की वीडियो में उससे आगे जाने का प्रयास करेंगे। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है कि जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। क्या है क्वेश्चन है आपका? जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परसा। परसा ने क्या किया था फ्रेंड्स कि जलवे राइन की स्थापना की थी, एक संस्था थी, राज्य था जिसका स्थापना कौन किया था? परसा किया था। तो चलिए हम आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है हंगरी की भाषा क्या थी। क्या है? हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी का जो भाषा है फ्रेंड्स, हंगरी का जो भाषा है वो क्या था? मैग्यार था। मतलब हंगरी एक जगह है, जैसे हम लोग का मैथिली वगैरह भाषा चलता है हिंदी, तो उसी तरह हंगरी की भाषा तो जो थी वो क्या थी? मैग्यार थी। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किस की पराजय हुई? क्या है क्वेश्चन आपका? है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, मतलब कौन हारा? पराजय मतलब कोई, जो ये यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें कौन हारा? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका तुर्की। तुर्की क्या हुआ था फ्रेंड्स? हार गया था। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 29 नंबर है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? क्या क्वेश्चन है आपका कि ये जो मारियान है किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस। मारियान किस राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? तो फ्रांस का था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? क्या है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको यूनान को पालना कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था? आपका अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर वो है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1688 में क्या हुआ था कि एक्ट ऑफ यूनियन को पारित कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो उस समय जो वहाँ का जो राजवंश था उसका क्या नाम था फ्रेंड्स? उसका नाम था बुर्बो वंश। क्या था? बुर्बो वंश, बुर्बो वंश। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ये जो नेपोलियन संहिता लागू की गई थी फ्रेंड्स, वो कब लागू की गई थी? 1804 में। कब लागू की गई थी? 1804 में लागू की गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कुल जो युद्ध किया था, तो उसकी संख्या हमसे पूछी जा रही है। तो इसकी जो संख्या है वो 3 है। 3 संख्या, मतलब 3 युद्ध किए थे किसने? बिस्मार्क ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो 3 युद्ध है उसे हम आगे जानेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वीना कांग्रेस कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वीना कांग्रेस में जो था कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स क्वेश्चन है। तो वीना राज में जो सम्मिलित नहीं था उसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, जर्मनी सम्मिलित नहीं था। क्या था? जर्मनी नहीं था सम्मिलित। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? वीना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रूस के द्वारा किया गया था, क्या प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 37 पे पहुंच गए हम। यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली एक संस्था थी, उसका संस्थापक हम लोगों से क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इसका जो संस्थापक था फ्रेंड्स वो कौन था? मेजनी था। मेजनी एक गणतांत्रिक विचारधारा का व्यक्ति था।
तो चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना क्या है अधिक पसंद करूँगा, अधिक पसंद करूँगा, ये किसने कहा था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि टेंथ में ही पूछा जाए। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है, चार्ल्स दसवां जो था इसी ने ही कहा था कि लकड़ी काटने, क्या कहा था कि लकड़ी काटना अधिक पसंद करेंगे, किसके? अंग्रेजी राजा के भांति जो हम लोग कर रहे हैं शासन, देखिए चार्ल्स दसवां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि पर्शिया का शासक कौन था, क्या था पर्शिया का शासक हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो पर्शिया का जो शासक था वो था विलियम प्रथम था, कौन था? विलियम प्रथम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, 40 की ओर हम लोग कदम रख चुके हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो है, पहले क्वेश्चन पढ़ लें उसके बाद आंसर होगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये आप लोग भी जानते होंगे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का जो मरीज है वो कहा जाता है तुर्की को, किसको कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी, ये जो नेपोलियन है उसने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी, ये हट नहीं रहा, चलिए क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ आप सुन लीजिएगा। तो 41 नंबर है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कौन, सी रायसंघ की स्थापना की थी नेपोलियन ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, 42 क्वेश्चन है किस संधि द्वारा स्वतंत्रता स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई, स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना, तो स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी एंड्रियानोपोल की संधि, एंड्रियानोपोल की संधि के द्वारा हुआ था क्या स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, क्या यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, ये सब सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेजनी ने की थी यंग यूरोप की स्थापना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 44 तक हम लोग पहुँच चुके हैं, अब ये क्वेश्चन है नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, नव गुएल्फ आंदोलन, तो नव गुएल्फ आंदोलन जो है फ्रेंड्स वो इटली में हुआ था, कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। ये सब क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन ये मतलब ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, पूछा भी नहीं है शायद। तो चलिए 45 पे आ गए हैं, मेटर्निक कौन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है लेकिन हर बार ये क्या होता है फ्रेंड्स पूछा ही जाता है, मेटर्निक कौन था, तो मेटर्निक कौन था, तो ये मेटर्निक ऑस्ट्रेलिया का क्या था, चांसलर था, क्या था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था कौन, मेटर्निक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 46 है फ्रेंड्स की कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किसकी, कार्बोनरी एक संस्था थी जिसकी स्थापना कब की गई थी ये हमसे पूछा जा रहा है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1810 में हुई थी, कब हुई थी, 1810। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 47 तक हम लोग पहुँच चुके हैं, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, ये 1830 में जो क्रांति हुई उसके बाद जो फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो निरंकुश राजतंत्र का स्थापना हुआ था 1830 की क्रांति के बाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा क्या, गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक संस्था की स्थापना की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, 49 क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, क्या राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल को माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर एग्ज़ाम में क्या होता है ये पूछा ही जाता है, तो VBI हम बोल सकते हैं इसको। तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए
तो वीडियो को क्या करना है आपको, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए।